सीमा हैदर की करते हैं, क्योंकि सीमा हैदर मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। गीता और मिथिलेश के समर्थन में अब हिंदू जो संगठन है वो आ गए हैं। मिथिलेश भाटी ने सचिन को झिंगुर कहा था, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है। वकील और कई किसान नेता गीता भाटी के समर्थन में उतर आए। दरअसल सीमा के वकील ने मानहानि नोटिस की बात कही थी। सीमा के वकील एपी सिंह ने यह कहा था कि वो भाटी को नोटिस जारी करेंगे मानहानि का, जिसके बाद कई हिंदूवादी जो संगठन हैं वो समर्थन में आ गए हैं भाटी के। सीमा हैदर के मामले में नया जो मोड़ आ गया है वो हम आपको बता रहे हैं। गीता और मिथिलेश के समर्थन में हिंदू संगठन आ गए हैं। गीता भाटी ने तंज कसते हुए झींगुर कहा था, जिस पर एपी सिंह जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि हम मानहानि का नोटिस भेजेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई, और जब गांव वालों को यह पता चला कि जो सीमा हैदर है गलत तरीके से गलत रास्ते से वो भारत आई, जिसका विरोध लगातार जो ग्रामीण लोग हैं वो कर रहे हैं। मगर अब ये विवाद एक अलग मोड़ ले चुका है, एक नया यहाँ कहते हैं एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल जो सीमा हैदर के वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस विवाद को वो गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, यानी कि गलत ले पर ले जा रहे हैं। दरअसल जो मिथिलेश भाटी है उन्होंने एक बात कही थी सचिन को लेकर कि सचिन झिंगूर सा है, लप्पू सा है, और मिथिलेश का ये भी कहना है कि देखिए जो शब्द मैंने कहे ये ग्रामीण में कहा जाता है, अपने बच्चों को भी कहा जाता है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये मिथिलेश भाटी और गीता भाटी का घर है, और मिथिलेश भाटी ने हमसे ये कहा था, देखिए जो मैंने सचिन को ये वर्ड्स कहे ये असल में हमारे गांव के लोगों को आमजन जिंदगी में कहते हैं, मजाक में कहते हैं, मगर इस बात को लेकर जो एपी सिंह यानी कि जो सीमा हैदर के वकील हैं उन्होंने कहा कि हम मिथिलेश और जिन जिन लोगों ने सचिन को झिंगूर कहा उसको मानहानि का नोटिस जारी करेंगे। उसके बाद देखिए विवाद थमता नजर नहीं आया और लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है, लगातार जो बयानबाजी है वो बढ़ता नजर आ रहा है, और हमने देखा किस तरीके से जो रबुपुरा में दो पक्ष हो गए, एक पक्ष जो ये कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है वो गांव की बहू है, और दूसरा पक्ष जो ये कह रहा है कि नहीं जी जो मामला है ये गलत है और जब तक जाँच कम्प्लीट नहीं हो जाती कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए आज जो गीता भाटी है, गीता भाटी के समर्थन में कई ऐसे लोग हैं जो उनका साथ देने आ रहे हैं। जब से ये पता चला है कि जो गीता भाटी और मिथिलेश भाटी को जो एपी सिंह उनके द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, तो जिसके बाद लगातार जो गीता भाटी के घर पे लोग आ रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मत डरिए, आप जो हम आपके साथ हैं। आपको बता दें तकरीबन 3 बजे के आसपास गीता भाटी के घर में जो घर पे एक तरीके वकील जो लोग हैं वो आएंगे, और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो आएंगे, किसान जो नेता हैं वो गीता भाटी के संपर्क में हैं और वो इनका 3 बजे के आसपास समर्थन देंगे। कहीं ना कहीं अब ये विवाद देखिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से जो अमित जानी हैं जो डायरेक्टर हैं वो भी सीमा हैदर को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं कराची टू इंडिया, जिसको लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ था। मुंबई MNS के जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को हम बनाने नहीं देंगे, हम इसका विरोध करेंगे, मगर इन सब के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो गीता भाटी है मिथिलेश भाटी है उनके समर्थन में तमाम लोग आज 3 बजे के आसपास इनके पास आएंगे। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सीमा के वकील ने मानहानि नोटिस की बात कही थी, एपी सिंह ने यह कहा था कि झिंगुर बोला गया सचिन को गीता भाटी द्वारा, अब वो मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर करेंगे, जिसके बाद हिंदू जो संगठन है वो गीता भाटी के समर्थन में वहां पर पहुंचे हैं। कुछ वकील भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जिनकी तरफ से ये दलील दी गई है कि अगर मानहानि का नोटिस दिया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि एपी सिंह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम नोटिस जारी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीमा हैदर मामले में अब नया मोड़ आ गया है। गीता और मिथिलेश के समर्थन में कई हिंदू जो संगठन है वो आ गए हैं। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
यहाँ के वकील एपी सिंह ने साफ कहा है कि वो गीता भाटी को लीगल नोटिस देंगे, मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर दायर करेंगे, क्योंकि उनका आरोप है कि उन्होंने झिंगुर कहा है। सोशल मीडिया पर जो ये बयान है वो बहुत तेजी से गीता भाटी का जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, और इसी को लेकर अब एपी सिंह जो है वो मानहानि का मुकदमा करेंगे, जो सीमा के वकील हैं वो गीता भाटी के ऊपर, और उनके समर्थन में गीता भाटी के समर्थन के में कई लोग आ गए हैं। और हमारे साथ मिथिलेश भाटी, जिन्होंने सचिन को झिंगुर कहा था, वो लाइव जुड़ गई हैं। मिथिलेश जी, आपने वो तंज में कहा था, आपके मुंह से निकल गया होगा, आपने तंज में कहा था, झिंगुर की बात कही थी, लेकिन अब एपी सिंह साफ ये कह रहे हैं कि अब हम मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर करेंगे। कोई बात नहीं भाई, हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल भाषा है, एपी सिंह को करने दो जो कर रहे हैं। नहीं, मानहानि का मुकदमा होता है तो मुकदमे का सामने करने के लिए तैयार है मिथिलेश जी आप? मैं बिल्कुल तैयार हूं। एपी सिंह ने कई सारी बातें कही, उन्होंने कहा कि झिंगुर बोला, अपमान किया, वो इतना वायरल हुआ तो उसमें मेरी थोड़ी कमी है, और जो भी है मैं तो कह रही हूँ एपी सिंह जी से, जी भाई है वो, सारी मीडिया वालों के खिलाफ, सारे चैनलों के खिलाफ करे केस, सबको नोटिस दें, जिन्होंने इस पे वीडियो बनाई है उनको भी नोटिस दें, मानहानि का दावा उन पे भी करे, क्योंकि मेरे से ज्यादा उन लोगों ने वीडियो बनाई है, जिन्होंने गाने बनाए उनको भी नोटिस दें, ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ। मिथिलेश जी, यानी आप पूरी तरह से कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं अगर इस तरह का कोई नोटिस दिया जाता? क्या कोई नोटिस दिया गया? ये बातें केवल अभी तक मीडिया में ही चल रही हैं, एपी सिंह ये दावा कर रहे हैं कि नहीं जी हम तो मानहानि का मुकदमा करेंगे। जी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, और जब नोटिस आएगा तो देखा जाएगा। मिथिलेश जी, मैं चूंकि गाँव के परिवेश से आता हूँ, गाँव परिवेश में इस तरह के तंज कसे जाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इस बात को इतना ज्यादा बढ़ा देना, आपको नहीं लगता कि जो माहौल है गांव का वो खराब होगा, आपसी जो भाईचारा है वो खराब होगा? अब ये चीज तो उनको भी समझनी चाहिए भैया, अब इसमें जो बीच में आके रोटियां सेक रहे हैं ना अपनी, उनकी जल भून के राख हो जाएंगी, कोई बात नहीं सेकने दो, वो टाइम बताएगा आगे को के आपस में रिश्ते बिगड़ते हैं या फूट पड़ती है। मिथिलेश जी, ये भी देखने में आ रहा है कि जी खत्म हो जाएगा तो। मिथिलेश जी, ये भी देखने में आ रहा है कि गांव के कुछ लोग जो बिना समाज हमारा रहेगा, नहीं नहीं वो तो आप ही का रहेगा, लेकिन गांव के कुछ लोग सचिन के समर्थन में जा रहे हैं, कुछ लोग आपके समर्थन में जा रहे हैं, मैं इसी बात का बार बार जिक्र कर रहा था कि अलग अलग चीजें होती जा रही हैं यहां पर, एक समर्थन उसका ही तरफ जा रहा है, दूसरा आपकी तरफ जा रहा है, जबकि आपने जो भी बात कही थी वो तंज में कही थी और गाँव में ये चलता है। देखिए जिसे जो सही लग रहा है वो उसकी तरफ जा रहा है, ये भी नॉर्मल है, उनको वो सही लग रहे होंगे जो उनकी तरफ जा रहे हैं, कुछों को मैं सही लग रही होंगी वो मेरी तरफ आ रहे हैं, ऐसा भी होगा कुछों को दोनों ही गलत लग रहे होंगे, वो किसी की भी साइड ना आ रहे होंगे। लेकिन मिथिलेश जी, आपको नहीं लगता कि गांव का इससे माहौल जो है वो आपसी प्यार है उस पर प्रभाव पड़ेगा? अब भैया प्यार पे, आपसी पे, व्यवहार पे, जहाँ पे भी फर्क पड़ेगा ना तुम पे रुक रहो ना मुंह पे रुक रहो, जो पढ़ना हो तो पढ़ेगा ही। मिथिलेश जी, सीमा के लिए क्या कहेंगे आप? क्या कहूं सीमा को? नहीं, मुस्कुराहट आपकी कुछ और बता रही है, बता जो आपके दिल में है आप वो कहिए। भैया मेरे दिल में ना तो सचिन को कुछ ना सीमा को कुछ, मुझे मुस्कुराहट क्यों आ रही है, फिर क्या एक ही सवाल पूछे जा रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ये बताइए मिथिलेश जी, सही का फर्क है बस। मिथिलेश जी, जोड़ी पे क्या कहेंगे आप? जोड़ी पे क्या
हाँ, इस जोड़ी पे क्या कहेंगे, क्या मिथिलेश जी को, मिथिलेश भाटी को भी ये लगता है कि बेहद प्यारी जोड़ी है ये? कतई जहर जोड़ी है। आप अभी भी इसको जहर ही मानती हैं? बिल्कुल जहर। लेकिन मिथिलेश जी, आपका एक रील आता है जिसमें आप कहती हैं झींगुर सा शकल का, हालांकि वो रील मैंने भी कई बार देखा होगा, और आप कह रही है कि वो जहर जोड़ी है, लेकिन जो उनके रील आ रहे हैं वो तो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो मेरे रील पसंद नहीं आ रहे तो भैया क्यों मेरी जान को आ रहे हो? नहीं, आपके रील भी पसंद आ रहे हैं, लेकिन उनके जो रील है वो प्यार मोहब्बत वाले रील है, आप कह रही है वो जोड़ी जहर है। जब ही तो मैं कह रही हूँ जोड़ी जहर है, बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी है। मतलब जहर का मतलब यहाँ पॉजिटिव सेंस में जहर है ना, सकारात्मक। अरे अब आप जो भी समझ लो, घुमा कर आओ तो मोहम्मद भैया, देखो सीधी सी बात है। नहीं, जहर दो अर्थों में कहा जाता है मिथिलेश जी, आखिरी सवाल लूंगा। एक जहर निगेटिव सेंस में कहा जाता है, एक पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है, तो यहाँ पर जहर कौन सी जोड़ी को कह रही है आप? जहर को, यानी यहाँ पे पॉजिटिव कह रही है ना आप? अच्छी जोड़ी है, बहुत प्यारी जोड़ी है। आपके घर में बेटा हो ना तो आते भी कहती हूँ कि भैया चार वाला दिन की माँ ले ही हो, जहर जोड़ी बनेगी आपके भी घर में, ठीक है? मिथिलेश भाटी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। जी जी, आप क्यों रहे हो? नहीं नहीं जी, बताइए मिथिलेश भाटी जी, मैंने आपके इतने रील देखे, मुझे लगता है मिथिलेश भाटी भी आज की तारीख में सेलिब्रिटी हो चुकी हैं, और सेलिब्रिटी से जब बात आदमी करता है तो खुशी मिलती है। आप मानिए ना मानिए, मैं कह तो रही हूँ जहर जोड़ी नहीं, मैं मान रही हूँ, बिल्कुल मान रही हूँ भाई। जब आपके घर में आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप उनसे कहना प्यार करना भैया, चार बच्चों की माँ को उठा के लाना और जहर जोड़ी बना। व्यक्तिगत मत जाइए, लेकिन फिर भी हमारे साथ मिथिलेश भाटी जुड़ी हुई थी, जो कह रही थी कि सीमा और सचिन की जो जोड़ी है वो जहर जोड़ी है, हालांकि यहाँ पर जहर जोड़ी का सेंस निगेटिव है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एपी सिंह जो सीमा के वकील है, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि मैं मानहानि का मुकदमा कमलेश मिथिलेश भाटी के खिलाफ करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है और सर्कुलेट हो रहा है, उन्होंने चाहे झिंगुर कहा हो, झिंगुर की शक्ल वाला कहा हो, सीमा और सचिन को लेकर जो बातें कही हैं उससे उनके क्लाइंट की यानी वकील की मानहानि हुई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। बने रहिएगा आप इंडिया न्यूज के साथ, लेकिन बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।